हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी बज गए हैं 3:00 और मैं नहा धो के अपना सारा काम करके हो गई हूँ रेडी। तो आज का सीन कुछ इस प्रकार है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और मम्मी आज छत पे गई, झूठ बोलूंगी। क्या कह रहा है पार्थ? मम्मी ने सुबह बोला था छत पे जाऊंगी और गई नहीं और झूठ बोलने लग गया आजकल मम्मी। अच्छा, और ये देखो पार्थ, देखो अपनी सॉक्स तो मिलती नहीं है, मेरी सॉक्स पहन के घूमता है क्योंकि इसको मेरी सॉक्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो हाँ जी, मैं आपको ये दिखा रही थी, ये सुबह आई थिंक कितने बजे था, 9:30 उठा होगा कंटिन्यू ये मैप तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारे घर में एक नया आर्किटेक्ट, 12th पास आर्किटेक्ट, कितने मैं बना कर देख, 12वीं पास करके आर्किटेक्ट बन गया है। तो जिसने भी नक्शा बनवाना हो घर का, बनवा सकते हैं। ये देखो कितने पन्ने बरतनी है, सारा मैं कटिंग कर करके तो ये अब तक तैयार नहीं हो गया है फाइनल। जैसे भी हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। टाइम लग गया है, टाइम लग गया है मैं बनाने में, वो ना बन जाता। तनु बताना, 12वीं पास कोई आर्किटेक्ट देखा है के? यार आर्किटेक्ट तो 5वीं पास ही बन जा, और दिमाग दिमाग की बात। अपने घर का नक्शा खराब करता मैंने कोई ना देखा आज वो बन जाए तो बता दिए, दिखा दूंगी मैं ऑडियंस ने, वे भी बनवा लेंगे अपने घर का नक्शा। तो गाइज, आज है संडे, तो ये आज फिर से मैंने कपड़े धो दिए थे क्योंकि कल पार्थ को स्कूल जाना है, तो उसके लिए स्कूल की ड्रेस गंदी हो रही थी उसकी। और यही इधर मैं आपको दिखा देती हूँ प्लाट का क्या सीन है। प्लाट में आज कुछ काम नहीं हो रहा है क्योंकि आज संडे है और आज इलेक्शन भी है, तो जो सारे वर्कर वगैरह हैं वो अपना थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, वोट डाल के आएंगे। तो गाइज, अभी मैं तो गई नहीं हूँ वोट डालने, तो जैसे भी जाऊंगी वो सब आपको दिखाऊंगी। तो आज काम बंद है पूरा प्लाट का। कल स्कूल की छुट्टी है? कल स्कूल की छुट्टी नहीं है बेटा, कल स्कूल में अवार्ड फंक्शन है। और पार्क को अवार्ड मिलेगा? नहीं। लाडू तो ना बना, वो आज का नक्शा बन जाएगा जब तो बनाने तो काम खिंडवा के घेर दिया। तो यहाँ पे ये बेसन के लड्डू बनने की तैयारी हो रही है भाई, ये देखो। तो भाई ये हो गया पार्थ लड्डू बनाने के लिए रेडी। गूंद तल दिया घी में, ये घी, ये सूखा गूंद, और ये बता दो, ये दाल मखाने हैं, और ये घी है भाई। मम्मी, हाँ काजू बादाम इसमें पीस के डाल दिए, और ये पार्थ ने पहन रखी है स्मार्ट वॉच। और इसमें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, टाइमर लगा रखा है। गूंद और बेसन मिलाकर जब ये लड्डू बनेंगे, इसमें है बेसन, चने थे वो पीस के बेसन बना दिया, और आटा भी है, आटा भी है, खांड भी है, और काजू बादाम, और ये जो बीज होया करे बीज, ये भी है। आर्किटेक्ट के बाद बावर्ची बन लिया है, आया एक और नया मार्केट में। दाल मखाने पीसे जा रहे हैं गर्म हो, और ये कीमत तड़ दिए हैं। ये देखो भैया कढ़ाई मेरा, देख देख दिमाग दिमाग दिमाग, ये सारे नीचे खिंडा दिए, ये देख क्योंकि ये पीस जाएंगे, ये दब जाएंगे उसमें ना, दबे मोटी बुद्धि है करती है, काट दे आधे कल है ना पीसते, ये इतनी दुखी होगी मैं इन्हें पीसन में, ठीक है दिमाग दे मैं, देखिए कितना भरा से ठंडा सारा पड़ जाएगा, यो सारा और गिरना पड़ेगा घना ये है। अच्छा हटा थटा जड़ जाएगा, ये तरड़ा लगा दिया वही घी का लाडू हमें, ये देखो जिस जिसने खाने वाजी हो। पार्थ का कभी बेचैन नहीं हो रहा पार्थ, तुम तो सारे गिर गए मैं, हां ये तो पढ़ना ही था, इतना था ये पे देखेंगे पढ़े जा रहे, देख गर्म आसमान, कोई कोई तो उसके गूंद के लाडू बनाया करे, कोई बेसन के बनाया करे, और ये गूंद के बेसन के मिक्स है भाई, इसमें और भी बढ़िया टेस्ट आ। हाँ घी से हाथों ही जल जाता ना, घी गर्म है बेटा जल जाएगा, देख ये अपनी जगह बना ली इसने, आग तो ही लग जाएगी ना हाथों में। हलवाई हलवाई थोड़ी देर पहले आर्किटेक्ट तो कुछ बोलना चाह रहे हो, हलवाई करने पड़े हैं लगती है बाहर के काम ही मन देखने, घर के काम ही मन देखने। अच्छा कितना दुखी आ रहा है पकवान, चल बना ले तो लाडू हम खा लेंगे। ये वही घी जम गया इसमें, मिक्स नहीं हो रहा, एक मिनट में कुछ गर्म घी था और ये भी जम गया,
मिक्स ही ना हो पा रहा। मिक्स हो गया। सर्दियों के टाइम में यही दिक्कत आवे है, ये लड्डू मिक्स हो गया है, लेकिन पापा सो नहीं रहा। कर तो दे बेटा सारा मिक्स। हां तो बना लो ना फिर अब। बनाऊंगा। बना लूंगा। सब कर रहे हो। बना लेना है बहू क्या मिक्स और के तू ही बड़ा ही ने। घी खिचड़ी एक करेगा ही। बना ले। ये एक्सपर्ट के हाथ चलने लगे हैं। इसका क्या खिचड़ी कै रुपए किलो है हलवाई? कै रुपए किलो है? क्या 800 रुपए किलो? 800 रुपए किलो सस्ते हैं। क्या आप इसको पत्थर और हलवा दूध करोगे? लो भाई पहला लड्डू दूसरा लड्डू तैयार। पात्र बना ये पार्थ का पार्थ से छोटा सा लड्डू। लो भाई जब का बैठा सर पे वो कटोरी लीजिए बाबा जब का बैठा रहे हो। हां जब कहीं ना 10 बार कह ली मम्मी कब बनेंगे कब बनेंगे। कैसा बनाया है? ठीक है। ठीक है। हां तेन तो सारी मेहनत पर पानी फेर दिया भाई। ये और ये यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, इसमें 8 बने हैं इसमें 22 22 लड्डू बना दिए मम्मी ने और इसने हलवाई ने 8 लड्डू बनाए। लेकिन गोल में तो ले दे शेप देख तो गोला का केक बनाई पत्थर हो जाएंगे ये उनमें फड़फड़ खाने हैं देख नहीं बढ़िया शेप में ये जम जाएगा ना फिर ये सारे गोल गाल हो जाएंगे। ये देख लो हार गया कंपटीशन। लड्डू खा लो पार्थ हार गया तेरा पापा तो। ये देख कितने कम लड्डू थाली में दादी जीत गई। मिक्स भी मैं करूंगा। यो देख मिक्स भी मैं करूं लड्डू में। इन्हें देख यो के करन लग गया अपने पापा की मेरा भाई ने बेटा ये फूट जाएंगे आराम से भगा भगा मारे दूसरी थाली में। ये पापा जीतवा दिया इसने देख लो भाई सारे लिखा पिसे को ना ये मिक्स में पिसण में ना ये देख बस भरा गाई भी नहीं ओ टीटरी जीता लिया अरे दादी और दादी। ये देखो पापा जीत गए और दादी अभी भी काम कर रही है क्योंकि हार गई। देख लो पापा जीत गए दादी हार गई और पापा जा रहे हैं। ये खड़े हुए पापा अब जाएंगे बाहर पृथ्वी से बाहर जाएंगे एलियंस के एलियन के घर पे जाएंगे और पापा अभी तक नहाए नहीं है क्योंकि पापा को जाना ही है। तो भाई अभी हो गए हैं 4:30 और अब हम जा रहे हैं वोट डालने और ये लड्डू आधे छोड़ दिए इनको मम्मी पूरे करेगी। तो 4:30 बजे उसको याद आया कि अब वोट डालने भी जाना है तो अभी जा रहे हैं। ये हमने ले लिया अपना आधार कार्ड पहचान पत्र और ये जो स्लिप मिलती है वो। बिना देरी करते हुए 4:33 पे हम घर से निकल लिए हैं और अभी 5 या 10 मिनट में पहुंच जाएंगे उसके बाद मिलते हैं आपसे वोट डालने के बाद। तो गाइज आज मैं फर्स्ट टाइम वोट करने जा रही हूँ तो आप लोगों से भी यही कह रही हूँ कि अपने घर में ना बैठे वोटिंग का टाइम है वोट करें अपना नेता चुने या पहली बार वोट गिरने जाए 18+ ही हुई है 18+ ना हुई मेरी वो पहचान पत्र ना बन रहा था बेइज्जती मत करे मेरी उसका कोई रीजन था तो आज फर्स्ट टाइम मेरी वोट है। इतनी भी बड़ी ना हूँ मैं अकेला 35 साल की होली या 40 साल की होली वोट यही डालना चाहे तो कोई ना कदे भी डाल दो जब मौका मिले भाई डाल देनी चाहिए वोट वोटिंग के लिए हमारा अधिकार है ये तो क्यों नहीं उसका फायदा उठाए सब ना डालनी चाहिए भाई। हालांकि हम लिखड़े लेट है करते है पर वोट तो डाल के आऊंगे। रेड लाइट हो रही है एग्जाम है रेड लाइट हो रही है देरी में और देरी हो रही है वोट देकर ना फिर मिलेंगे आप तक। तो गाइज फाइनली हम वोट डाल के नहीं आए क्योंकि हमारी वोट मिली ही नहीं भाई उन्होंने हमारे 7-8 चक्कर कटवा दिए हम आधा घंटा खराब करवा अंदर भी चले गए थे वोट डालने थी और मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग थी मेरा बहुत मन था वोट डालने का बट इतने चक्कर कटवा दिए इन्हें और फिर भी कुछ नहीं मिला या पर्ची थी मैं 2-3 बार उल्टे सीधे वे करवा दिए कुछ नहीं होया। कोई कहेंगे आन जाओ कोई कहेंगे आन जाओ आधा घंटा घूमते ना हो गया। हाँ जी तो भाई हमारी वोट तो पड़ी नहीं बुंडी बन गई है हमारी गला गणी बुंडी बन गई है और ये 5-16 हो गए हैं पर भाई हमने कोशिश तो करी हमने इतना कि गए कोई ना हम गए भी और फिर वोट ना पड़ा से हमारी गलती थोड़ी ना यार। हाँ तो वो तो गवर्नमेंट की वो है ना कि भाई इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से चीजें नहीं कर रखी अब हम इधर उधर घूम रहे हैं फिर भी नहीं मिल रही है तो उसमें हमारी क्या गलती है तो हम आगे भाई बिना वोट डाले हम तो अपनी आईडी सारी चीज ले जा रहे थे ना इधर बांग्लादेशी घोषित कर दिए हम के हैं और वो एक तनु पूछ जाए आप दोनों हो कौन मगा हम भारत के निवासी है बोले नहीं वैसे क्या हो मगा हस्बैंड वाइफ है तो भाई वोट हमारी ना पड़ी है बेइज्जती हो गई अब गुंडे वाली मतलब मुश्किल आता इसने मना के ले गई थी मैं सुबह सारे लड्डू लड्डू छोड़ छाड़ के भाज रही है चार खड़ा होले चाल मैं कह यार 25 ना मैं गिर गया वोट इना उड़कड़वा लेंगे मैं चल भाई। हाँ तो मेरा थोड़ा ये था कि भाई फर्स्ट टाइम है मेरे को थोड़ा था क्रेज सा कि भाई मैं भी वोट डाल का हूँ फर्स्ट टाइम वोटर बनूं
बट वो सपना मेरा आज अधूरा रह गया। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे घर पे पर्ची आओगी तो मैं जाऊंगी। यहाँ पर्ची सुबह निकलवाई थी मम्मी ने, वो डाल कही थी जब, पर यहाँ पर्ची चल ही नहीं। इसमें कोई सीरियल नंबर गलत बतावा, कोई रूम नंबर गलत बतावा है, और मेरी वोट भी पता नहीं डिलीट हो रही थी, क्या हो रहा था। बाकी हर बार घर पे पर्ची आ जाया करती। हाँ, आधा घंटा हमारा खराब हो गया, 10 चक्कर कटवा दिए और फिर हम आगे खाली हाथ उल्टे। वोट में क्या क्या हुआ? तो है, वोट ना पड़ी मारी है। क्यों? फाइनली ये लड्डू बन गए हैं, ये देखो कितने सारे। तो भाई ये पार्थ की तबीयत खराब हो रही है, तो इसको ये नेबुलाइजर दिया जा रहा है ताकि इसको थोड़ा जो कफ है उसमें रिलीफ मिले। और यहाँ इसका ये खाना आ गया पार्थ का, नमकीन चावल। ये मेरे आ गए मटर वाले। पार्थ मटर वाले और छोक वाले चावल नहीं खाता, इसलिए इसका नीचे नीचे के चावल निकाले, ऊपर के सारे मैंने अपने डाल लिए। और ये आ गई है साथ में लस्सी, और ये है लहसुन मिर्च की चटनी जो मैं अपने चावलों में डालूंगी, क्योंकि मिर्ची थोड़ी कम डालते हैं पार्थ की वजह से। हाँ भाई पार्थ, ये पार्थ रोज है लहसुन मिर्च की चटनी खाए जा रोज डेली, कल गए लेके परसों, आज तो गए। अरे चावलों में मिर्च कम है तो ये मिक्स करनी पड़ती है मेरे को। लहसुन मिर्च का एक नंबर फ्लेवर आ जाएगा। इस चावला में कदे खा के देखियो भाई, ट्राई करियो। अरे यो सीत है पसुत्ता खाना आ गया, यो मेरा कदी फेवरेट खाना है नमकीन चावल। वो सिर्फ दो ही प्लेट लेके आ रहा है, दो ही कप चाय लेके आ रहा है। मेरा कुछ नहीं लेके आई ना, चाय लेके आया, कुछ अपना सिर्फ अपना लेके आया है। संदीप भाई नमकीन चावल नहीं खाता है, तो इसलिए मैंने इसके नमकीन चावल नहीं डाले हैं। इसकी रोटी बनाऊंगी, पहले मैं खा लेती हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा भूख लगी है, और चावल ठंडे भी हो जाएंगे और ठंडे चावल अच्छे लगेंगे नहीं। तो गाइस किसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।